नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे जेजेपी पार्टी से, श्री रणदीप कौल जी। आज हम जानेंगे इनसे कि जो विधानसभा इलेक्शन है उसके लिए क्या कुछ रणनीति तैयार कर रही है जेजेपी, और जो इनकी जो रणनीतियां हैं, जो इनकी मेमोरेंडम्स हैं, और एक बीजेपी की लहर के बावजूद भी जो इतना भारी समर्थन, भारी हजूम जेजेपी के साथ जुड़ता जा रहा है, ताऊ देवीलाल जी के आशीर्वाद से आज हम उनसे डिस्कस करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रणदीप जी। एक इलेक्शन की बात होती है, विधानसभा इलेक्शन का स्तर है, हर पार्टी अपना बिगुल बजा चुकी है, तो जेजेपी क्या कुछ रणनीति लेकर मार्केट में आ रही है, और एक शुरुआत से ही ताऊ देवीलाल जी का आशीर्वाद रहा है इस पार्टी पर, और स्थानीय मुद्दे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, आप मैन टू मैन मिलते हैं, आप हर वर्ग से, हर जात पात से 36 बिरादरी के साथ संपर्क में हैं, तो क्या ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जो आपके गहन में हैं और आप उनको निवारण के लिए एक ये सजग उपाय और सजग कदम उठा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं और आपका भी स्वागत करता हूं कि आप यहाँ इतनी दूर चलकर हमारे पास आए। हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पिछले साल जो 9 दिसंबर को हमने जींद में बहुत बड़ी रैली की थी, उसमें हमारी पार्टी का गठन हुआ, और दुष्यंत चौटाला जी आज हमारी पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं। तो आज दुष्यंत चौटाला जी ने जो अब आपने परसों देखा होगा 22 तारीख को जब हमने जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष पर रोहतक में जो रैली का आयोजन किया, उस रैली में आपने देखा होगा जब हमने पिछले साल 9 दिसंबर को जो जींद में रैली की थी उसमें लाखों की संख्या में पहुंचे थे, और जो परसों हमने रोहतक में रैली की, क्योंकि रोहतक में उसी जगह पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी रैली कर चुके हैं 18 तारीख को, और अब पिछले 8 तारीख को नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली वहाँ हुई, और वहाँ हर जगह चर्चा है कि सबसे बड़ी रैली दुष्यंत चौटाला की थी। तो वो बड़ी रैली क्यों थी, इसका एक ही कारण है, क्योंकि आज दुष्यंत चौटाला जी को युवा में और 36 बरादरी में, किसानों में, छोटे दुकानदारों में, शहर हो या गांव हो, हर जगह दुष्यंत चौटाला जी को समर्थन मिल रहा है। और दुष्यंत चौटाला जी ने जो आपने कहा भी किन मुद्दों को लेकर आप चल रहे हो, मेन मुद्दा है इस प्रदेश में बेरोजगारी का। बेरोजगारी के पायदान पर आप देखोगे तो पिछले दिनों जो आंकड़ा प्रस्तुत हुआ, हमारा प्रदेश इतना पिछड़ चुका है कि हमारा नंबर 28.7% लेकर इतना बेरोजगारी के मामले में, अगर जब ये बीजेपी की सरकार आई थी ये कह रहे थे हम हर वर्ष लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार देना तो दूर की बात, इन्होंने रोजगार छीनने का काम किया है। आज बेरोजगारी के मामले में प्रदेश में अब करनाल में आपने देखा होगा जो गेस्ट टीचर बैठे हैं उन पे किस तरह से सरकार अत्याचार कर रही है, कंप्यूटर टीचर जो पंचकुला में बैठे, जो हमारी महिलाएं बैठी थी उन पे भी सरकार ने किस तरह से अत्याचार किया। तो आज युवा वर्ग की सरकार से बेहद दुखी है, और युवा मुख्यमंत्री हमारा जो दुष्यंत चौटाला जी है एक अच्छी सोच लेकर चल रहा है जो सभी बरादरी के लिए, सभी के लिए काम करेगा। रणदीप जी, एक सिस्टम होता है हर पार्टी का, आपने स्थानीय मुद्दों को देखा है, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जिनसे लोग दुखी हैं, बीजेपी सरकार ने उन मुद्दों के वादे तो किए थे लेकिन कहाँ तक वो खरे उतरे हैं, या कहाँ कमियां रह गई हैं? आपने हर जगह जनसंपर्क अभियान भी किया, लोगों के संपर्क में आते हैं आप, एक अच्छे समाज सेवी व्यक्ति की भी लहर में आपका नाम है, आप कर्मयोगी हैं,
आपने बिल्कुल हर चीज को छोड़कर लोगों के साथ टाइम बिताया, तो क्या लोगों के मन में पीड़ा है, क्या लोगों की जो स्थानीय प्रॉब्लम है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो मौखिक मुद्दे होते हैं, जो सिर्फ कागजों में ही रह जाते हैं। कुछ ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमारी जनता को बताइए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अब गांव में ये है, मेन तो स्टडी की प्रॉब्लम और दूसरा नशा। नशा गांव में इतना फैल चुका है कि कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं। पुलिस के संरक्षण में ये काम होते हैं, क्योंकि पुलिस को पता होता है भी कहाँ कहाँ आ गया। अब हमारे बड़े बड़े गांव, हमारा गांव कोल बड़ा गांव है, पाई बड़ा गांव है, तो जितने बड़े बड़े गांव हैं इन गांवों में आप देख लो, आपको भी पता लगेगा कि रात को भी मोटरसाइकिलों पर उन पर चलना आजकल बड़ा असुरक्षित है, क्योंकि नशेड़ी हर जगह टोली में बनाए टोली में बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी समस्या तो ये नशे की है, और दूसरा है स्टडी पढ़ाई की। पढ़ाई के मामले में जिस तरह से शहरों में लोग जाते हैं, गांव को छोड़कर भी हमें शहरों में पढ़ेंगे, हमारे भाई दुष्यंत चौटाला जी ने इन सभी बातों को निवारण करने का एक प्रयास किया है। क्योंकि हमने कहा है कि जो हमारे कोटा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में जो सेंटर खुले हुए हैं जो स्टडी के, वहाँ भी हमारे हरियाणा के हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे अगर हमारी सरकार आती है। और युवाओं को रोजगार देने में दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि हम 75% आरक्षित हरियाणा के युवाओं को देंगे, चाहे वो प्राइवेट नौकरी चाहे वो सरकारी नौकरी। तो इन मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, और इन लोगों को ये समझ में भी आ रहा है। जिस प्रकार से ये इन्होंने कह तो दिया हम 6,000 रुपये देंगे साल में किसानों को, लेकिन इन्होंने MP के इलेक्शन में एक किस्त दी थी, उसके बाद इन्होंने उस पर भी इतनी कंडीशन लगा दी, उसमें से 3-4 हज़ार रुपये तो ये वैसे कभी किसी योजना के नाम पर काटेंगे। और हमारी पार्टी ने देखो, जननायक चौधरी देवीलाल जी की पार्टी है, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये पेंशन शुरू की थी। 100 रुपये पेंशन आज जो बूढ़ा बूढ़ी है प्रदेश में, वो समझते हैं कि उनको जो चौधरी देवीलाल ने एक नौकरी दी थी, और जो आज वो हर वर्ग के लिए, हर बिरादरी को उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी अपनी। और आज दुष्यंत चौटाला जी ने एक वायदा किया है कि हम अगर हमारी सरकार आती है तो हम हर महीने 5,100 रुपये पेंशन देंगे, और उसमें भी 55 साल की जो महिला होगी उसको पेंशन मिलेगी, 58 साल का जो पुरुष होगा उसको पेंशन मिलेगी। तो इन मुद्दों को लेकर देखो, एक आम साधारण परिवार उसमें लगभग 10,200 रुपये हर महीने आप तब आए जब आएंगे बूढ़े बुढ़िया के, तो उसका एक सम्मान भी बढ़ेगा और उसको एक अच्छी मदद भी परिवार को मिलेगी। विधायक जी, अगर हम बात करें कि अभी जो मुद्दे चल रहे हैं नशे के, तो ये प्रशासन की नॉलेज में भी होती है बात, तो इसमें इनको चलाने में कहाँ तक सरकार का हाथ मौजूद है? क्योंकि भी कोई ऐसी हालात चल रही है, हर किसी को पता है कि यहाँ पर नशा बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं तो सरकार का भी हाथ पाया जाएगा। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, पहले पंजाब में देखो, आपने पंजाब में कितना नशा बढ़ा, विदेशों में जो लड़के गए हुए थे उनके गांव में आके देखो उन्होंने इतना बुरा हाल था। तो वही चीज़ आज हमारे प्रदेश में बढ़ रही है। और नशे के खिलाफ हमारे कुछ सामाजिक संगठन भी है बेचारे, वो जो काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक पॉलिटिकल मामले में इसमें हमारी मजबूती नहीं होगी, प्रशासन के ऊपर सत्ता में जो भी पार्टी होती है अगर उसकी नकेल मजबूत नहीं होगी, तब तक इसको रोकथाम नहीं हो सकती। और इस मुद्दे को लेकर दुष्यंत चौटाला जी ने बड़ी मजबूती से इस मुद्दे को उठाया है विपक्ष के नाते। हमने इसमें इस मामले में जब हमने इनसो का जो स्थापना दिवस मनाया था रोहतक में, उसमें भी हमने नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई, और हमारी इनसो तो इसके खिलाफ, नशे के खिलाफ हमेशा ही लोगों को जागृत भी करती है, और इसके खिलाफ हम सरकार में विरोध भी हमारी पार्टी ही कर रही है और दूसरी पार्टी ने आज तक कोई विरोध भी नहीं किया। सर, अगर बात करें रणदीप जी, एक युवा वर्ग होता है जो चौधरी देवीलाल जी के टाइम से
जुड़ा हुआ है पार्टी से, आज भी वो पूरे का पूरा युवा वर्ग दुष्यंत जी के साथ जुड़ चुका है। और हालांकि बीजेपी की लहर चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रोहतक की जो महारैली, इसे कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग वहां खड़े थे, तो वहां पर और दुष्यंत का जो वहां पर आना और लोगों के बीच में बैठकर उन्होंने जो जिस हिसाब से रैली को संबोधित किया, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य उन्होंने किया कि लोगों की जो मौजूदा समस्याएं थी उन्होंने उनके ऊपर भी बातचीत करी है। तो अब आने वाले विधानसभा इलेक्शन में अगर हम आपकी व्यक्ति विशेष की बात करें, तो अगर आपको पार्टी ये सौभाग्य सौंपती है, जिम्मेवारी देती है, तो आपके अगर निजी हलके की बात करें तो आप क्या कुछ आपकी नीतियां रहेंगी और आप लोगों की क्या कुछ समस्याओं को हल करने की बातचीत करेंगे? देखिए, पहली बात तो पार्टी का संगठन का जो भी निर्णय होता है, हमारी पार्टी उसी के अनुसार चलती है। जो भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में जिला स्तर पर हलका स्तर पर काम कर रहे हैं, तो वो पार्टी की नीतियों को लेकर दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में उनमें हम घर घर हमारी पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। रही बात अगर पार्टी की तरफ से मुझे ये सौभाग्य, संगठन की तरफ से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होता है, तो हमारी पार्टी एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और एक स्वास्थ्य के क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में हमारा लोकल में भी इतना पिछड़ चुका है सिस्टम, तो उसमें हमारी पार्टी, हम भी काम करेंगे। और रही बात देखो आप मेडिकल के क्षेत्र में, हमारा एक उस टाइम जब कांग्रेस की सरकार थी कह रहे थे भी कहते में पीजीआई बन गई, लेकिन कोई पीजीआई नहीं, सामान्य हॉस्पिटल है। तो अब दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि हर 20 किलोमीटर पर हम मोबाइल डिस्पेंसरी की सुविधा देंगे। तो ये सभी सुविधाओं को देखकर और एक मेडिकल कॉलेज की हमारे पूरे क्षेत्र में बड़ी आवश्यकता है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ पर एक मेडिकल की अच्छी सुविधा हो, अच्छा एक मेडिकल कॉलेज यहाँ स्थापित हो। तो दूसरी बात ये आपने बताया रोजगार की, किसानों की, आज किसानों की दुर्दशा इतनी, जो सरकार है कह रही है अभी हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर दिया, लेकिन एक्चुअली न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ना तो धान बिकता, आज जीरियाँ मंडी में देखते हैं आप आ रही हैं, लेकिन हमारी सरकार बनने पर दुष्यंत चौटाला जी ने वादा किया कि हम एक कानून बनाएंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल अब जरूर बिके। और किसानों को आज इतने कर्जबंद हो चुके हैं सहकारी बैंकों के, हमने सरकार ने हमारी पार्टी ने वादा किया है कि सहकारी बैंकों में किसानों के और छोटे दुकानदारों के हम कर्ज माफ़ करेंगे। तो कर्ज माफ़ से और ये जो पार्टी जो हमारी सरकार बनने पर सुविधा मिलेगी, इससे आम व्यक्ति को, जनजीवन को, हमारे प्रयास है कि हम उसमें उनके सुधार कर सकें। सर एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे राजनीति करना चाहूँगा। अभी आपने बताया कि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को खत्म करेंगे, शिक्षा संबंधी समस्या खत्म करेंगे, लेकिन हमारी जो मौजूदा बीजेपी सरकार है इन्होंने भी कई नीतियाँ दी हैं, उज्ज्वल योजना दी है, घर घर सिलेंडर की सुविधा दी है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त दे रही है सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो कहीं ना कहीं तो इन योजनाओं का भी लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने कहा भी हम उज्ज्वला योजना देंगे, आप भी गाँव में जाते हैं, आप भी गाँव से ग्रामीणों से मिलकर देखो, तो इस योजना के तहत घर घर सिलेंडर पहुंचना या वो धरातल पर कुछ भी नहीं है। आप गरीब कॉलोनियों में जाकर देखो तो वहाँ पर इस योजना के नाम ना मिलेंगे, आपने ऐड मिलेगी, सरकार ने ऐड पे तो करोड़ों रुपया खर्च किया है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। बाकी आयुष्मान योजना जो इन्होंने स्वास्थ्य की योजना बताया था 5 लाख रुपये तक गरीब के देंगे आप, तो उसमें आप सरकारी हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो उसके नाम पर कोई, आपको मिल के देखो कि धरातल पर कोई कितने आपको साथी मिलेंगे जिन्होंने कोई इलाज करवाया। आवास योजना इनकी इतनी पूरी तरह फेल है, इस पर ये केवल सर्वे तो जरूर करते हैं
आज तक सर्वे सर्व में रहे हैं, आज तक इन्होंने कोई कॉलोनी काटी हो किसी गांव में? पहले गांव में ये छोटी छोटी कॉलोनियां भी कटती थी, बाड़े कटते थे, उनको गरीब आदमियों को छोटे छोटे प्लाट मिले हुए थे, वो चौधरी देवलाल की सरकार में मिले। और अब इस सरकार ने किसी को भी एक छोटे 100-100 गज का कोई एक प्लाट दियो दो, इसको बता दो किसी को ही न दे। केवल सर्वे सर्वो में कहने में तो है ये सरकार भी, हमने ये कर दिया, 15-15 लाख रुपए भी दिए हैं लोगों को इन्होंने, कह रहे हमने 15-15 लाख भी दे दिए, वादा भी किया था, बताओ किसी को एक चोनी मिली हो। तो ये सरकार का जो झूठे जो इनके वायदे थे, जो जुमले थे, ये अब जनता के सामने आ चुके हैं। ठीक है, लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रवाद के चुनाव नाम पर चुनाव इन्होंने लड़ा, या राहुल गांधी को इन्होंने एक ऐसा डम्मी कैंडिडेट प्रस्तुत कर दिया लोगों की नज़रों में, तो उसके मुकाबले में मोदी ने जरूर विजय श्री प्राप्त की। लेकिन आज प्रदेश में जो चुनाव है वो है खट्टर मनोहरलाल खट्टर वर्सेज दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत के जब कार्य प्रणाली को या दुष्यंत जी को जो सुनते हैं लोग, देखते हैं, तो उसमें और उसमें आपको आसमान और धरती का फर्क नज़र आएगा। ये देखो, जो जैसे मन के भाव होते हैं, जैसे कोई गुस्से में भी है ना, तभी कोई व्यक्ति कहता है, जैसा उसके अंदर भाव होगा ऐसे होगा। मैं कहता हूँ RSS कह रहे हैं भी एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्र के नाम पर, या उसको आदमी का मन भी इतना शांत हो जाता है कि उसमें एक भक्ति की भाव आता है। मैं कहता हूँ जो ये मनोहरलाल खट्टर RSS ही आए हुए हैं, कि पहले तो कोई ये कोई नेता थे नहीं, इन्होंने कभी पंची का चुनाव भी नहीं लड़ा। तो ये जैसे इसके देखो, ये मैंने कहा तो RSS में सभी ऐसे होंगे, लेकिन जो हमारे को जो जिन्होंने इन्होंने सौंपा है हमारे को माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इनके जैसे भाव हैं। इन्होंने वो जो आप इनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा चली हुई थी उसमें आपने देखा होगा, तब गुस्से में भी वही भाव निकल के आते हैं जो जैसे अंदर होते हैं। तो उन्होंने तो परसा उनको भेंट किया और उसने को उसको कहा भी मैं आपकी गर्दन काट दूंगा। तो ऐसे भाव देखो, आप एक युवा साथी था हमारा करनाल के पास गांव में, जब एक सेल्फी लेने के प्रयास किया तो उसको कैसे झटक के मारा। एक जींद के पास एक इन्होंने लोग मिलने आए, तो उन्होंने कोई चलो उनकी समस्या थी, वो तो बार बार अपनी समस्या लेकर हर आदमी अपने दुख को रोने के लिए अपने से ऊपर प्रशासन के पास, मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास जाएगा। तो उनकी समस्या का हल पहले तो सुनना तो सबसे मस्ट होता है, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या क्या, अभी हमने तो पहले भी आप आए थे, आप दोबारा आप आए तो आपको अंदर थाने में जेल में कर दूँ। तो ऐसी जो इनके विचार हैं आज वो जनता के सामने, आपके मीडिया के सामने, सोशल मीडिया की वजह से ये सामने आ रहे हैं। और दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी आप देखते होंगे, हर समय उनके पास माइक भी होता है और लोगों और उनके मोबाइल में हर उनके कार्यक्रम रिकॉर्ड होते हैं। तो आप देख लो वो कितने, मतलब मैं कहता हूँ चौधरी देवलाल की, ये एक चौधरी देवलाल का दोबारा पुनर्जन्म है दुष्यंत चौटाला। अब इस चुनाव में ये कह रहे हैं पिछहत्तर पार, मैं कहता हूँ इनको ऐसा सबक मिलेगा इस चुनाव में, ये हरियाणा से बाहर होंगे और हमारी पार्टी का जो मिशन है, जो हमारी पार्टी का जो ध्येय है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, जरूर हमारी पार्टी को सत्ता प्राप्त होगी दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में। 36 बरादरी के लोग जुड़ रहे हैं और विशेषकर युवाओं में एक जोश है। सर, हम बात करें कि जैसे खट्टर साहब के विवादित बयान आए, और हर जगह अगर हम बात करें बीजेपी नेताओं की, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि हर एक दो दिन बाद एक विवादित अध्याय खुल जाता है, चाहे वो यूपी साइड से हो, चाहे वो गोवा साइड से हो, कहीं ना कहीं कई शर्मनाक बातें भी सामने आई हैं कि कहीं का विधायक किसी लड़की के साथ पाए गए, रेखा जी के साथ, या कुछ भी अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि दूषित हो रही है लोगों की नजरों में, एक अलग सा गुमान सा है इनमें। तो क्या कुछ प्रभाव इनकी जो छवि का है वो आने वाले विधानसभा इलेक्शन पे पड़ेगा? देखो, इस बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में और सारे समाज में सबको जो दिखता है सब देख रहे हैं। ऐसे ये प्रचार तो दूसरे टाइप का करते हैं, और एक्चुअल में जो उनकी जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसको भी लोग देख रहे हैं।
तो इन सभी बातों से ये लोग उभकर इनका जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है। तो देखो ये चीज है, जो बुराई है, बुराई को दूर करने में समय जरूर लग सकता है लेकिन ये अंत जरूर होगा बुराई का। और जो सच्चाई है वो हमारा देखो पार्टी है, जननायक जनता पार्टी चाबी का निशान है। तो मैं तो सभी से अपील भी करता हूँ और सभी से प्रार्थना है कि हम जो भी साथी हमारे से जुड़ेगा वो एक हरियाणा के निर्माण में उसका एक योगदान होगा। तो मेरा तो सभी से निवेदन है कि हमारी पार्टी से। सर ये तो राजनीतिक बातें हो गई हैं, अगर हम बात करें तो कल हमारे चौधरी ताऊ देवीलाल जी का प्रकाश उत्सव है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से और देश की जनता को कैसे बधाई संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के निर्माता हैं। चौधरी देवीलाल की वजह से ही आज हरियाणा प्रदेश है और जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के नाम पर दुष्यंत चौटाला जी ने जननायक जनता पार्टी बनाई है। हमारे प्रदेश के लाखों लोगों ने पहुंचकर रोहतक में जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को 22 सितंबर को श्रद्धांजलि दी और 25 सितंबर को जो उनका दिन होता है जन्मदिन, उस पर मैं सभी हल्का वासियों की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से और अपनी तरफ से इतनी उनके चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ कि उनका स्वर्ग में जो चौधरी देवीलाल जी बैठे हैं उनका आशीर्वाद हरियाणा प्रदेश की जनता पर ही नहीं बल्कि सारे देश के लोगों पर बना रहे, यही उनके मेरी उनके प्रति श्रद्धांजलि। धन्यवाद धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।